हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रांशु श्रीवास्तव। वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑन कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट आर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड व्हाट आर द रोल ऑफ कीवर्ड इन सी। एज यू ऑल नो दैट सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है जिसमें कैपिटल और स्मॉल कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर अलग अलग डिस्टिंग्विश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद अ क्विक एग्जांपल। हाश इंक्लूड stdio.h हाश इंक्लूड stdio.h void main, देन उसके बाद ना सबसे पहले लेट मी डिफाइन वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर, अ कंटेनर विच होल्ड सर्टेन वैल्यू। अब वैल्यू कई टाइप की होती हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होती हैं। ये कैरेक्टर्स भी होते हैं, ये भी वैल्यूज़ होती हैं कुछ। ये लेट स्पेशल लेटर्स भी होते हैं। int a = 10 हमने दे दिया। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट होता क्या है एग्जैक्टली? मैंने कॉन्स्टेंट का मतलब होता है द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज्ड एंड इन एंटायर प्रोग्राम। जितना स्कोप आपने पूरे प्रोग्राम का दे रखा है उस प्रोग्राम में, उस चीज़ उस वेरिएबल की, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ओके, लेट्स डू। कॉन्स्टेंट के लिए कीवर्ड हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मैंने यूज़ किया, मैंने नॉर्मल चीज़ है, मैंने कॉन्स्ट ए यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ दे देते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट int = 10। ओके, नाउ मैं करता हूँ a = a + 3। ओके, नाउ प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज। अब वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम परसेंटेज डी का यूज करेंगे। परसेंटेज डी स्टैंड्स फॉर एन इंटीजर वैल्यू प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ओके, वैल्यू है मेरी ए, मैंने बंद किया ब्रेसेस, स्कोप मैंने यहाँ बंद किया। एक बहुत बड़ी ब्लंडर करी आपने, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, stdio.h लिखा है। वेरी सॉरी अबाउट दैट। corio.h का यूज़ करेंगे यहाँ पे पुराना आउटपुट वॉश आउट करने के लिए। एब्सोल्युटली clrscr का यूज़ करेंगे। यू आर वेरी +2 +1 फॉर यू, आपको याद है। और उसके बाद हम यहाँ पे getch का यूज़ करेंगे, सॉरी। और वी आर डन विथ आवर प्रोग्राम। हम इसे कंपाइल करेंगे। इसमें एरर आया है। क्या एरर आया है, लेट्स सी। clrscr शुड हैव अ प्रोटोटाइप, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, clrscr में scr स्पेलिंग वाज इनकरेक्ट। नाउ Ctrl+F9, अगेन एरर। क्यों एरर आया, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट। कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट मैंने ए को कॉन्स्टेंट किया था, उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो पा रही। एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई वॉज टेलिंग, कि जिस वैल्यू को हम कॉन्स्टेंट बताएंगे उसकी वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते इन एंटायर प्रोग्राम, चाहे हम कोई भी ऑपरेशन करें। तो अब आपको आज से एक चीज़ और पता चल गई कि जब भी हम कोई वैल्यू कॉन्स्टेंट लेंगे उसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, हमने वेरिएबल पढ़ा, हमने कॉन्स्टेंट पढ़ा। नाउ लास्ट टॉपिक इज कीवर्ड। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पर आप जब से पहला लेक्चर पढ़ रहे हो तब से हम कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। हैश इंक्लूड से लेके वॉइड मेन तक, बल्कि एंड के गेट सीएच तक, सब कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड का मतलब होता है अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच हैव
a predefined meaning to the compiler. You cannot change the definition. For example, const है, const की definition है कि वो कोई भी value को constant कर देगा. Compiler को पता है कि जब भी const use होगा हम वो value constant कर देगा. इसकी constant की definition user बदल नहीं सकता है library में. Why? Because it is predefined. It's not user defined. It's a predefined statement. Keyword कहते हैं इसे. हम use करते हैं if it's also keyword. Keywords ज़्यादातर white हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप capitals में लिखोगे if तो कभी भी वो keyword नहीं कहलाएगा. Because C is a case sensitive language. सब कुछ small में होना चाहिए. General cases. Const use करते हैं. Const. हम for use करते हैं. हम while use करते हैं. हम do use करते हैं. हम else use करते हैं. etc. जितने भी हम अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं. जो मतलब बेसिक आइडिया इज दिस, कीवर्ड आर दोज स्टेटमेंट्स विच हैव देयर प्री डिफाइंड मीनिंग इन कंपाइलर. उनकी जो डेफिनेशन होती है वो प्री डिफाइंड होती है और यूजर उसे चेंज नहीं कर सकता है. एंड यू हैव टू डैम श्योर अबाउट इट कि केस सेंसिटिविटी इज अ बिगेस्ट फैक्टर which keeps you near to an error. So be safe and program hard. Thank you. Bye bye.